नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सिंह राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल आपनो जेतारण में। दोस्तों मैं हाजिर हुआ हूं जेतारण विधानसभा क्षेत्र में, जितने भी गांव के सरपंच है उन सब की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, क्योंकि सरपंचों के इलेक्शन के लगभग अब दोस्तों 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और उन्होंने कितना क्या विकास किया है सारा इस सीरीज में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम टुकड़ा गाँव से, और टुकड़ा गाँव के सरपंच प्रतिनिधि हैं इंदिरा देवी, तो इनके पति हमारे साथ में, तो इनसे ज्यादातर कार्यभार तो यहीं संभालते हैं। तो शुरुआत करते हैं, नमस्कार। नमस्कार। तो आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहेंगे या मारवाड़ी में? हिंदी में और मारवाड़ी में, दो ही में दे देंगे। और हम तो बोले कि भाई आजू बाजू वाला सुने मारवाड़ी में अच्छा रहे। अच्छा, तो सरपंच साहब कह रहा है कि मारवाड़ी यानी अपन माइड भाषा में जितना भी जेतारण लोग है वो माइड भाषा यानी मारवाड़ी में सुनना पसंद कर रहा है, फिर वास्ते सरपंच साहब कह रहा है मारवाड़ी में। ठीक है, तो शुरुआत करा तो सबों पहले बहुत बात करा अपना 5 साल की कर कहीं निकलिया, मतलब गांव रे लिए काई कहण जाओ की कर कहीं लागो था ना? 5 साल के लिए बढ़िया निकलिया, बहुत बढ़िया, अच्छा निकलिया। और अल्ट्राटेक फैक्ट्री भी बनी इस बीच कार्यकाल में। इस बीच कार्यकाल में तो आपको पीछे फैक्ट्री नजर आ रही है, इसी कार्यकाल में बनी है? हाँ, जब से हम 2000 जब से चुनाव हुआ जब भी ये फैक्ट्री बनी है, और फैक्ट्री का थोड़ा बहुत सहयोग कम मिल रहा है गांव वालों को अभी। कम मिल रहा है? हाँ, कम मिल रहा है। तो अभी मैं सवालों की कुछ बौछार कर रहा हूँ। तो सबसे पहला यही सवाल है कि टुकड़ा गांव की सड़कों की स्थिति किस प्रकार से? सड़कों की स्थिति तो थोड़ी बेकार भी है, पर हमने मिलके एक तो सरपंच साहब सही सही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि झूठी तारीफ कर रहे हैं कि गाँव की सड़कें अच्छी कर दी है, जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। फैक्ट्री वालों ने तो कुछ अच्छी करी नहीं है। अच्छा, फैक्ट्री ने नहीं किया? नहीं किया। और साहब एमएलए साहब से मिलके एक तो अभी नया नया फंड हमारे समोखी से लगा के बलाड़ तक आ गया। अच्छा, जो बजट में आया था मोरी होके मोरी होता हुआ समोखी मोरी वाया टोंगड़ा होता हुआ बलाड़ा बलाड़ा बलाड़ा। ये रोड बहुत ही खराब स्थिति में थी। ये खराब है, ये हो गई है, और ये ग्रास वाली वह भी प्रगति में है, वो भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है। इसके अलावा एक मार्ग है टुकड़ा से लेकर आसरलाई के बीच में। हाँ बिल्कुल सही है, आसरलाई टुकड़ा से लेके असली बस स्टैंड तक। बस स्टैंड तक तो भी रोड रो आ बात है कि वह रोड अभी फैक्ट्री माइंस बीच में आ रही है, तो भी रो भी कहीं समझो तो करिए आप आड़ी सरपंच रात मिले। नहीं नहीं बिल्कुल, अपन का जो टुकड़ा से असली सीमा तक अपन की गरोल वो सड़क है जो अपन के रस्तो रिकॉर्ड में रास्ता में है, रिकॉर्ड में रिकॉर्ड में भी 100 होता। हाँ, बाकी आगे है जो आगे की दिखी जाएंगे, बाकी यहाँ तक तो अपन को बनन कम्प्लीट करनी जरूरी है। अच्छा, इसके लिए भी आप काम कर रहे हो, बढ़िया बात है। अभी कार्यकाल का लगभग 4 से 5 महीना बचा है। 5 महीना हमने तो गांव के लिए बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया, गांव वाला भी खुश रहा। हमने शुरू शुरू में एक बढ़िया गौशाला बनाई गांव के लिए, और गौशाला का निर्माण आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में हुआ, और गाँव वाला भी बहुत खुश हुआ कि भाई गौशाला बन जाता हमारे गाँव में अच्छा रहे। और उसके बाद में जो खेल मैदान का स्थित बहुत देखकर पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाका खेल मैदान स्वीकृत आपके काल में हुआ? हमारे कार्यकाल में हुआ, उसमें पैसा भी लगाया और थोड़ा बहुत और भी बच गए, उबड़ खाबड़ बार फैक्ट्री वाला से थोड़ा बहुत वे भी सहयोग दिया, और हमने अभी कोशिश देके थोड़ा अच्छा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। अच्छा, मतलब जो भी सरकार फंड आयो वो इरमात यूज करिए, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक नहीं थी? अब तो भी स्थिति ठीक रहे ग्राउंड में, पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाका होने के कारण ग्राउंड की स्थिति खराब थी। तो सेट भी अपने बात करा, पानी की कर कई व्यवस्था है टुकड़ा गाँव? पानी की स्थिति बढ़िया है, गाँव री व्यवस्था ठीक, गाँव रे हिसाब से चल रहा है। और जो घर घर स्कीम है वो भी शायद आपके कार्यकाल में आई है? घर घर की स्थिति है, वो घर घर में पहुंच गई है, पानी सबको पानी आ रहा है, खाली जवई बांध का पानी अपन के समूह की तक आ रहा है, अपन टोकड़ा में नहीं आ रहा। मीठा पानी अभी नहीं आ रहा है? हाँ, तो मतलब अपने जो नदी रो पानी है वो सप्लाई दे रही है? वो खाली नदी रो सप्लाई, साथ 2-4 कुआ है वो कर रहा है, बाकी पानी तो टाइम टू टाइम आ रही है गाँव? बाकी पानी टाइम टू टाइम आ रही है, बाकी गाँव वाला सब खुशी है। और ये हमारा कहना है, एक जो मेन अल्ट्राटेक से लगा के टोंगड़ा तक ये रोड फैक्ट्री वाला का वाहन निकलता है, उनको कार्रवाई करके बढ़िया जल्दी से ये काम करवा। और ये जो चौकीदारों की डाने से 2 किलोमीटर बच्चा टोंगड़ा स्कूल में जाता है, आपकी ये स्कूल है? हाँ, उसके बारे में, ये स्कूल है चौकीदारों की डाने, बंद है? हाँ, ये बंद है, साहब से बात भी हुई थी कि वही चालू हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, ये चालू की प्रक्रिया हो गई है इनकी, और ये जल्दी चालू हो जाए तो बहुत खुशी होएंगे हमारे गांव वालों को। और डाणी मतलब आप रही डाणी क्षेत्र में वास्ते बहुत, मतलब 3 किलोमीटर दूर है टू स्कूल टुकड़ा रही, और वट पैदल जाना पड़े, छोटे छोटे बच्चा है, 5वीं तक स्कूल है, लगभग 30-40 टा पर रह जावे, 60 बच्चा है, 60 बच्चा है।
तो स्कूल खुलनी चाहिए, सरकार ने सुनना चाहिए। तो आप मांग रखी है एमएलए कनेरी? मांग बिल्कुल रखी है एमएलए साहब की, बहुत जल्दी हूँ आप लोग काम करवाओ। एक आप बताओ कि हमें गांव रुकी करके सपोर्ट लागो, मतलब अंडला रखी था गांव वाला, वो बढ़िया गांव वाला बहुत बढ़िया करिए सपोर्ट अपन, बढ़िया करिए। तीन गांव है अपन रिकॉर्ड में, टोंकड़ा, निबेड़ा और बीजगढ़, तीनों को बढ़िया सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट है। और सात आठ डाणिया भी है, खाली गांव वाले रो कहो है कि फैक्ट्री वाला जो जमीन बेची है अपन वीर माउजार कोई अभी मांग रखी है गांव वाला मुआवजा नहीं, मुआवजा नहीं मिली। अच्छा खोल दी बिल्कुल, वो अपने क्रेशर बनी बाढ़ बिल्कुल, ये बेल लगा हुआ TT1 में। और ये जल्दी में जल्दी थोड़ा सा हमारा कहना है कि भाई ये जो जमीन है नी पूरी भी आजू बाजू वाली ये बहुत खराब रह रही, इनका थोड़ा जल्दी से सरकार ने ये शिकायत है कि अपने जो टुंगड़ गांव रे मेन मेन जो सीसी रोड है मेरी कमी है, वेस्टर्न गांव वालों को पूछे जना बात पता चले कि सीसी रोड नहीं है, बिल्कुल सीसी रोड नहीं है। मेन पंचायत से लगा के और आकरिया चौराहे तक दो अपने 1 किलोमीटर बिल्कुल रास्ता खराब, उसके लिए कुछ मांग रखी है एमएलए से? मांग बिल्कुल रखी साहब से, अब साहब देखो क्या करे, फंटाने दे दो भाई करांगा। बिजली की बात करा तो करके आपूर्ति रह रही गाँव, बिजली थोड़ी बहुत दूर पड़ रही है अपने, दूर पड़ रही है, नयो सेंटर स्थापित नहीं कर रही है नयो, बिल्कुल जरूरी होना जरूरी है अपन टोंकड़ा में, अपन निबास दूर पड़ जा, निबास दूर पड़ जा, बार बार बिजली का अपन कटौती ज्यादा रहे। तो आप मांग रखी उड़ा कि गाँव में बनाओ? मांग में बिल्कुल, अब साहब रो थोड़ा रहे मिल के बात करे तो बढ़िया रहे। कैसा बात करा जो अविनाश जी लाडला 5 साल और अब नहरा जो 8-9 महीना है, वेण में इनका ही फर्क लगे, मतलब पहला बढ़िया काम करा होता या फिर अब थोड़ा ठीक लगे? बिल्कुल अब इतना दिन तो चलता, अभी विधानसभा चल रही है, अब बजट आने वालों है, देखो साहब कह रहा है हाथों हाथ आप काम स्पीड में चले। अच्छा बजट रुपया आना जो घोषणा रही थी अपन, घोषणा फिर रुपया। और अपन एक स्कूल भी टोंकड़ा पंचायत में जो माध्यम स्कूल है, एक तो प्राइमरी बोलिया हॉल और एक वो कमरा और एक लाइब्रेरी और एक कंप्यूटर करवाए, वो भी बढ़िया काम। बात करा निम्बेडार महीने तो वटे भी बच्चा बहुत ज्यादा है और बड़ो गांव है, एक निम्बेडार में सब बड़ो गांव निम्बेडा ही है, निम्बेडा तो बटे स्कूल 8वीं तक ही जे वटे 10वीं करवना रो काई, बिल्कुल 10वीं रहनी जरूरी निम्बेडार महीने, निम्बेडा में क्यों बच्चा वहां भी ज्यादा है, आधी संख्या टोंकड़ा में आधी निम्बेडा में। आप करवा रही है कोशिश साहब? करिया देखो हाल तक कोई बातचीत नहीं रही साहब, आगे का ही रहे चले वो बात है। एक अपने निम्बेड़ू लेन मेसिया तक रोड है फिर भाकर तक रो, वो भी थोड़ा सा खराब स्थिति बिल्कुल रिकॉर्ड में बिल्कुल टोंकड़ में निबेड़ा मेसिया सरद बिल्कुल आप बन जा पक्की बन जा बहुत बढ़िया रह जा सीधो रोड बन जा अपन भर जाऊने बात है। मतलब आपकी कोशिश तो ठीक है, एमएलए प्रति की कर लाग रही, मतलब टोंकड़ा का हिसाब फंड ठीक दियो या फिर मीडियम ही दियो या फिर बढ़िया दियो लागे 5 साल मातो साहब ने बिल्कुल बढ़िया ही करी। मैं तो आज चाहूंगा कि अपनो माओ जो एक तो गरीब लोग माओ जो चालू रह जाने वो बढ़िया रह जाए और एक गांव वाला ने बिल्कुल थोड़ा लगावे ने काम आते तो बढ़िया काम रहे। मतलब एमएलए गुजारिश करो कि एक बार यूं फिलहाल गांव वालों के उन्हें मिलियो कि 9 महीना रहेगा हाल एमएलए साहब पधारियो कोने पास जीतिया बच्चे। एमएलए साहब एक बार पहले भी थोड़ा आजू बाजू में निकल गया अपन तो टोंकड़ा माते नहीं आया पाचा आया को नहीं एक बार। तो एमएलए साहब अगर वीडियो देख रहे हो तो टुकड़ा में जरूर नजर दीजिए, गांव वाला काफी शिकायत कर रहे हैं 12 महीने। अब कुछ सवाल हो है कि बिजली अपने रहेगी तो अब रोजगार जो सब मोटो मुद्दो है। बिल्कुल रोजगारी बात सही है, रोजगारी लेना जरूरी पर जितो जरूरत ही जितनी गाँव में मिली इतो नहीं मिली नहीं मिली, मतलब कितना लोग लागोड़ा हिसाब नहीं नॉर्मल कोई 7-8 लोग 8-10 लोग और वही योग्यता हिसाब नहीं मिल रहा है। योग्यता हिसाब नहीं मिल रहा जो को लोग लागोड़ा वे केरिया में 350 रुपया 250 रुपया रोजगार देख लो सुनो देनी का ही बहुत कम। बिल्कुल रेट बिल्कुल डाउन रेट है, डाउन रेट 100-200 रुपया 250 रुपया का ही ले। और एडी शिकायत है कि बिल्कुल भी अपन छोटी से छोटी गलती रही तो अपन बारे बारे बिल्कुल आजू बाजू वाला खूब बैठा है मौज करिया अपन जैसे देखो 30-40 किलोमीटर दूर 5,000 लोग बैठा है, टोंकड़ा वाला खाली नॉर्मल 10 या 20 एंड और जो को मेन जो माइंस है वो टोंकड़ा गांव और मेन मेन टोंकड़ा सुनो मारो कहना यो है मेन माइंस जो है जमीन पूरी टोंकड़ा भी गई माइंस प्लांट खाली बल्ला डैम बनाओ माइंस अपन पूरा
हाँ, मेन पत्थर और लगभग पानी भी आपने पी जावे। अब एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि 3-4 दिन पहला देखो 22 तारीख ने अबार बुलाया था टुंगड़ा गांव वाला ने, बिल्कुल कि कई लोग घर है गोचर में वो अब नोटिस देना शुरू करी है सरकार, फिर बारा में कहना चाहो? नहीं, नोटिस तो सुनो, लोग 15-15, 20-30 साल रह रहा है, आज तो कोई नोटिस आई को नहीं। गांव वालों में बात कर जन के मान 3-4 पीढ़ियां रहेगी, मतलब मां जलमे टी जन शुरू में टी रिया आज बैठ उम्र रहेगी 70-70 साल। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो अपा भी पहली बार काल परसों मैं भी सुनिया कि भाई पूरा गांव वाला भी निबेड़ा ने बेजगा ने टोंगड़ा सभी बुला रिया आपूटे। तो बीरो कई लागे थाने मतलब नोटिस कदे आवना शुरू लिए ने नोटिस कम गांव वाला कह रिया कि फैक्ट्री रो दोनारो मिक्स लागे मां? बिल्कुल, कोई कोई तो बातचीत रही, बाकी अपने भी पता नहीं नोटिस कदी निकलिया कदी नहीं, अपन तो कल देखिया लोग जो टुंगड़ा गांव है फिर एकदम नीचे ही मतलब आबादी क्षेत्र है भाकर एकदम नीचे, बिल्कुल, और फैक्ट्री वाला ने कह रिया कि भाकर मन छाई जे फैक्ट्री वाला ने भाकर की जरूरत है क्योंकि बाटो निकाल, बिल्कुल गाँव वाला क्या बात है थी तो इनमें शायद फैक्ट्री दबा। आपने देखो सुनो, जो खेल मैदान है खेल मैदान के बिल्कुल 200 फुट ज्यादा होंगे खेल मैदान के नजदीक आ गए पत्थर फैक्ट्री वाला, और जो बेरोजी की वन विभाग की अच्छा जमीन थी डंप यार्ड यानी जो फैक्ट्री रो वेस्टेज रहिया करे, पत्थर तो निकाल ले लेकिन जो बाकी रेत रहे बाहर दूसरी जगह डालिया करे, बिल्कुल बाहर टुंगड़ा गाँव में प्रवेश कर रही ओले ओले वो कर रही है, बिल्कुल यानी नजदीक वाला गाँव वाला तो रात भर वहां सो ही नहीं सके आराम। अच्छा, और एक अपने जो बेरोजी ओहन है विन साइड भी फैक्ट्री ओले ओले खदान करने स्टार्ट कर रही है। मैं आपको कहूंगा जो हमारे टुकड़ा गौचर है 2200 बीघा जमीन 2200 बीघा गौचर के अंदर है और 300 बीघा वन विभाग की जमीन थी, उनका हाँ। अभी तो कोई पता ही नहीं है, फैक्ट्री वाला ने उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा, कोई रिकॉर्ड नहीं उसका, उनका कोई अपन के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं गया, ये तो हमारी लीज बन रही, तो वन बीघा गई कहाँ पर? अच्छा, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब सरपंच साहब रो क्या है कि कितना बीघा बताई थी 2200 बीघा तो गौचर अलग ही है, वो है रोड के इस बाजू, अपन यहाँ से जाऊंगा नहीं तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में थी वन विभाग की जमीन 300 बीघा जमीन, अभी वो कैसे ऑटोमेटिंग फैक्ट्री वालों ने फैक्ट्री के हाथ में अभी वो जमीन हाथ में आ गई, बिल्कुल आ गई, जो बैरूजी का मेन स्थान हमारे गांव के अंदर तो बैरूजी का स्थान है उसके ऊपर भी वो लीज बना दी। अपने 70 साल लोग रह रिया है जगह हटा रिया है, दूसरा जो कोई है वो माइनिंग चल रही है, सरकार ने कोई आपत्ति को नहीं निर्मा, कोई आपत्ति नहीं, तो एक बड़ी दुविधारी बात है अपन जितान क्षेत्र माते की एडो काम रह रही है। एक मुद्दो है तो ओडवाड़ा क्षेत्र गालोर जिला में गांव रियो हां बिल्कुल 450 घर थोड़ा था, बिल्कुल 450 घर थोड़ा था, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री गोचर जमीन माते और वन विभाग मात कब्जो कर रही है, कोई आपत्ति नहीं है सरकार? कोई आपत्ति नहीं, मैं तो ये कहूं ये भी सरकार की जमीन है, आप एमएलए साहब ने बताया, बिल्कुल आप बातचीत भी करी थी, इस चीज का कोई हल नहीं निकली हाल, तो इनमें थोड़ा जोर दोर एमएलए साहब ने एक बार और कहो, बिल्कुल अपन हाथ जोड़ साहब ने कहना कि बिल्कुल इनकी चीज की कार्रवाई रहे और बिल्कुल इनको वन विभाग वाला को अपन सोचते माइनिंग डिपार्टमेंट वाला पूछो भाई वो कहाँ गई, कौन बेची, कैसे बिक गई, सरकारी जमीन तो कोई बिके नहीं, कि गांव वाला ने 22 तारीख में पैसी मत बुलाया था, सरकार भी नोटिस आया था और वटे वे लोग पास आन मन मिलिया वे कह रिया है कि मानकियों की जकारा भी घर है वे जल्दी में जल्दी खाली कर दो मां पटका जैसे भी भेजा आ चीज वा कह रही, और पट्टा वाला ने शायद बात करे लवे बाकी जगह 91 के दो कह दिया कि खाली कर दो, तो कहीं कहना चाह? बिल्कुल हमारा कहना है जो गांव का मुख्य सरपंच होता है उनको भी पता नहीं रहता भाई खाली करना है, पहले उनको आदेश तो दिया जाए तो इनको क्यों खाली करवा, सही है कि नहीं, ये आबादी में है या बिगर सरकारी में है या फिर इन पे कोई फैक्ट्री वाला दबाव डाल रहा है ये तो पता होना जरूरी है, कल पूरा गांव का 200-300 लोग वहां पर खड़ा फैक्ट्री तहसील में गया था, तो तहसील वाला भी यही बोला भाई आप इनको खाली कर दो बाकी हम हटा देंगे। बाकी बात रही जो CSR का काम है मेन तो फंड जो बाजू गोद लिया हुआ टुकड़ा को फैक्ट्री फंड CSR का फंड आवे मेन जैसे बलाड़ा है टुकड़ा ये CSR, गोद नाम DMIC तब इनको बात करा तो ये बोलता है कि भाई ये तो
एक लगाता तो कहाँ पर है ठहर ली जाके दूसरे गांव में हाँ। और बताता है यहाँ के भाई हमने इतना पन कर साल लिया। एक अपने गौशाला रियो तो की टुकड़ा वाला घना ही किया कि गौशाला मनाला नहीं ले लो, लेकिन एक प्रश्न ला आपरो गौशाला बनाई वीर बारे हम काई क्या सुनो। असल गौशाला बनाया गांव वालों को एक रुपये का कोई बेनिफिट नहीं है, लगाने वाला भी बाहर का लगाया, बाहर का जैसे लगाने की जरूरत है टुकड़ा वाले को या बलाडे वाले को या फिर मोरई वाले को, ये जाके बाहर वाले को लगाया सबको। और हाल फिलहाल में ये बोल रहा है कि वो इतना पैसा लग कुछ भी मेरे हिसाब से तो कोई 5-10 गाय होएगा इसमें। पता है वे फैक्ट्री वाला बता रहे कि 6 करोड़ लागत में वहाँ गौशाला बना रही, लेकिन गांव वाला कह रहा है कि आ लागत अगर माने गांव में बनती तो ठीक है, लेकिन जो गौशाला बनी विरमात के दई CSR फंड में बने तो अपन फंड गाँव रो जो फंड है वो तो वेस्ट, गाँव तो फंड वेस्ट गए बिल्कुल, क्योंकि गाँव री गाया नहीं है, गाया बारू लाई पूरी गाँव री गाया तो आज भी भूखा मर रही है और जमीन मात लग बिल्कुल फैक्ट्री तो कब्जो। फैक्ट्री वाला ने जब भी बोला मैं कि ये रोज हादसा हो पूरा वाहन यू निकले खटू निकले अपन मेन रोड है टोंकड़ा जो भी नौकल भी यहाँ से निकले। मैं मैंने बोले भाई बिल्कुल इन रोड खड्डा तो करवाए दो कि ये तो हमारा परमिशन नहीं है, तो परमिशन नहीं है तो आप यहाँ पर क्यों आते हो। MLA साहब तक बात पूछो आप बिल्कुल इमोशनल पास पूंगा बात और साहब में बिल्कुल बिजी घना रहे जयपुर एरिया बिल्कुल साहब मैं आज भी बात करी साहब 27 तारीख रफा दारी और बिल्कुल गांव वाला मिल एक बार पूरा गांव वाला ने बेड़ो इकट्ठा रहना पड़ी जब फैक्ट्री वाला ने महसूस पड़ी पूरी आजू बाजू वाली जमीन पूरा मुआवजा पहली थी एक नंबर तो मुआवजा की जरूरत है मैंने मुआवजा चाहिए मुआवजा दूसरा नंबर गाँव वाला ने लो तो हम सहमत है बाकी रोजगार ने और बाकी ये रोड है जो ये मेन रोड आपका वाहन यहाँ से मत निकालो सही है कि नहीं ये बात है हमारा बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बार जो मेन सरपंच है आपकी वाइफ श्रीमती इंदिरा देवी जी मेन सरपंच साहब है इंदिरा देवी जी बहनों भी थोड़ी बात करना हाँ बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे साथ में सरपंच साहिबा इंदिरा देवी जी और आप मैं पूछना चाहूँ कि टुकड़ा गांव में जो 5 साल आपका लगभग कम्प्लीट उनाड़ा है कई कई विकास रही हो या गौशाला मारवाड़ी में बोलो आप हिंदी में मारवाड़ी मारवाड़ी में देसी भाषा में ठीक है अपन मारवाड़ी तो बोल ए हमारे गौशाला बनवाई दिया एक गौशाला बनी अपने एक खेल मैदान बनी हो ठीक है एक अपने स्कूल में टिन सेट सदरा सेट बनी है हां टिन सेट सदरा सेट हां एक अपने स्कूल में दो रूम अब स्वीकृत रिया अपन बजट में आया था ने हां वो भी आप कार्य कर गांव में भी पानी गांव में भी पानी सप्लाई करती थी पानी जो घर घर स्कीम है वो इन पास साल में आई है और लारा फैक्ट्री रो भी सरपंच साहब बतावता है अब ही काल में लगी हां पास साल में लगी यानी तो कुल मिलान काम की करके लागे था काम बढ़िया लागे तो ये था सरपंच साहिबा और तो ये थे हमारे साथ टुकड़ा गांव के सरपंच श्रीमती इंदिरा देवी और इनके पति सेठराम जी। तो इनसे हमने बात की टुकड़ा गांव के विकास के ऊपर उनके लगभग 4.5 साल का रिकॉर्ड आपको बताया है कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और नेक्स्ट किस सरपंच के ऊपर वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए और जो भी सरपंच इच्छुक है वो हमें मैसेज कर सकते हैं स्क्रीन पर हमारे नंबर आ चुके हैं आप हमें मैसेज करके बुलवा सकते हो। मैं शक्ति सिंह राजपुरोहित इस वीडियो को अभी खत्म करता हूँ आप न देता रहे यूट्यूब चैनल्स।